बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एकादशी व्रत कथा। अब की बार माघ शीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी 11 तारीख दिसंबर की शुक्रवार को आ रही है। सो उत्पन्ना एकादशी का व्रत माघ शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के पूजन का विधान है। एकादशी का व्रत रखने वाले दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण को दूध फूल धूप अक्षत आदि से पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है और यह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का संयुक्त अंश माना जाता है। ये अंश दत्तात्रेय जी के रूप में भी प्रकट हुआ था, वो मोक्ष को देने वाला व्रत माना जाता है। सतयुग में एक बार मुर नामक दैत्य ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र को हरा दिया था। देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु जी के पास भेजा। विष्णु जी ने दानवों को परास्त कर दिया परंतु मुर वहां से भाग गया। विष्णु जी ने मुर को भागता हुआ देखकर लड़ना छोड़ दिया और बद्रिका आश्रम की गुफा में जाके आराम करने लगे। मुर ने वहां पहुंचकर विष्णु जी को मारना चाहा। तत्काल विष्णु जी के शरीर से एक कन्या का जन्म हुआ जिसने मुर नामक दैत्य को मार डाला, वध कर दिया। उस कन्या ने विष्णु को बताया, मैं आपके अंश से उत्पन्न आपकी ही शक्ति हूँ। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया कि तुम संसार में माया जाल में उलझे तथा मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम बनोगी। तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी सारा जीवन सुखी रहेंगे और तुम्हारा नाम एकादशी के रूप में जाना जाएगा क्योंकि तुम आज एकादशी के दिन ही उत्पन्न हुई हो और तुमने मुर नामक दैत्य का नाश किया और मेरी रक्षा की। सो आज से मेरा एक नाम मुरारी होगा। सो यही कन्या एकादशी कहलाई। इसलिए एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को बहुत ही पवित्र है और एकादशी का व्रत करने वाले का हर प्रकार से भगवान विष्णु मनोरथ पूर्ण करते हैं। साल की 24 एकादशियों में यही एकादशी ऐसी है जिसका महात्म बड़ा अद्भुत है, अपूर्व है। सो लौंद मास की दो एकादशियां मिला करके तीसरे साल में 26 एकादशियां हो जाती हैं। सो हर एकादशी जो है भगवान नारायण का ही स्वरूप माना जाता है और जो कोई भी इन एकादशियों का व्रत करता है उसका हर तरह से कल्याण होता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।